हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स के बारे में, मेन ग्लैंड्स और एसेसरी ग्लैंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के अलावा और भी कुछ डिस्कस किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हम आज की वीडियो में बात करेंगे मेन ग्लैंड एंड एसेसरी ग्लैंड। तो हमने ये क्लासिफिकेशन आपको लास्ट वीडियो में कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पेज पे विजिट कर सकते हैं और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एसेसरी ग्लैंड एंड मेन ग्लैंड हमारा यहाँ का आज का टॉपिक है। एसेसरी ग्लैंड जो हमने बात की थी, जिसमें लीवर और पैनक्रियाज आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट इज लीवर, जो हमने लास्ट में आपको बता दिया था, एंड सेकेंड इज आर पैनक्रियाज। तो मैं आज बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज जो है हमारे पैनक्रियाज हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में लाई करता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था स्टमक के बारे में, स्टमक लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑफ ह्यूमन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। सो जिसे उसके जस्ट नीचे सॉरी उसके जस्ट नीचे जो है पैनक्रियाज लाई करता है। मीन्स पैनक्रियाज लाइज बिहाइंड द स्टमक। जैसे कि हमारा ये देख सकते हैं आप, स्टमक हो गया एंड ये दिस इज लीवर, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी हो गया, उसके नीचे हमारा स्टमक के नीचे पैनक्रियाज हो गया है। मींस जो हमारा पैनक्रियाज है वो बिहाइंड करता है कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे या स्टमक के नीचे लाई करता है, लाई बिहाइंड द स्टमक। तो पैनक्रियाज लाइज बिहाइंड द स्टमक। बात कर लेते हैं क्या क्या मतलब पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रेटिक माइलेज या पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस में दोस्तों कई टाइप के एंजाइम्स मिले होते हैं। जैसा कि पैनक्रेटिक जूस में कई तरह के एंजाइम्स मिले होते हैं, जैसे पैनक्रेटिक अमाइलेज और दूसरा हो गया हमारा सेकेंड इज आर ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज लाइपेज। तो ये हमारे दोस्तों तीन एंजाइम्स हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस में मिक्स होते हैं और इनके वर्क जो फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इन तीनों के फंक्शंस के ऊपर, हर एंजाइम के फंक्शंस के ऊपर वो वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पेज पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लीवर के बारे में। लीवर हमने एसेसरी ग्लैंड में आता है। एसेसरी ग्लैंड मींस हमने पहला देखा पैनक्रियाज जो कि ये लीवर है वो स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट कर रहा है। स्टमक के राइट साइड में मींस ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट में प्रेजेंट करता है, क्योंकि जब हमने स्टमक के बारे में बात की थी तो हमने देखा था स्टमक जो है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट में लाइज कर रहा था। देन ये एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट राइट में लाई करेगा एंड इट सीक्रेट्स बाइल जूस। लीवर से हमारा एक ही एंजाइम निकलता है जिसमें बाइल जूस, इट सीक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस जो है दोस्तों ये स्टोर होता है कहाँ पे, ये स्टोर हो जाता है हमारा गैल ब्लडर में, बाइल डक्ट से इस पैनक्रियाज या इंटेस्टाइन में जाने से पहले। इट इज़ ग्रीनिश येलो लिक्विड, इट इज ग्रीनिश येलो लिक्विड विच इज टेम्पररली स्टोर्ड इन गैल ब्लडर। ये गैल ब्लडर में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है, गैल ब्लडर में स्टोर हो जाता है, वहाँ बाइल जूस
बाइल डक्ट के थ्रू जाने से पहले, बाइल डक्ट से उसमें जाने से पहले उसमें स्टोर हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे हम मेन ग्लैंड के बारे में। मेन ग्लैंड के बारे में लास्ट में डिस्कस किया था, इसके क्लासिफिकेशन कर दिए थे। तो सबसे पहले हमारा है सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारा, ये दोस्तों सैलिवरी ग्लैंड जो है बक्कल कैविटी माउथ में प्रेजेंट करता है। इट लाइज इन माउथ एंड इट सीक्रेट्स सैलिवरी अमाइलेज सलाइवा इन माउथ, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है ये माउथ में प्रेजेंट करता है, तो ये माउथ में अपने एक एंजाइम छोड़ता है, इसको सलाइवा कहते हैं, या इसको सैलिवरी अमाइलेज भी कह सकते हैं हम। सलाइवा जो है, सलाइवा कंटेन करता है वाटर, सलाइवा कंटेन्स वाटर कमा म्यूकस एंड सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। इसके अलावा ये दोस्तों जिसको हम सैलिवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, PTYLIN, इसको हम टाइलिन भी कहते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा ये सोडियम पोटेशियम क्लोरीन और म्यूकस भी एब्जॉर्ब इसमें मिक्स रहता है, सलाइवा में कंटेन करता है इसके अलावा भी। लेकिन ये जो तीन है ये मेन है, मेन कंपोजिशन है सैलिवरी अमाइलेज सलाइवा की। तो सैलिवरी अमाइलेज जो है इसका एक एंजाइम है जिसमें म्यूकस और वाटर भी कंटेन होता है सलाइवा के अंदर। एंड दोस्तों जो गैस बात करते हैं हम गैस्ट्रिक जूस की, उससे पहले हम बता रहे हैं दोस्तों जो सलाइवा है सैलिवरी ग्लैंड के में जो हमारा माउथ में जो डाइजेशन होता है वो पूरे डाइजेशन का 30% डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है बिकॉज ऑफ सलाइवा। बात करें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हमारे स्टमक से रिलेटेड होता है, स्टमक में जो भी ग्लैंड रिलीज होते हैं, जो भी एंजाइम रिलीज होते हैं उसको गैस्ट्रिक एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। एंड जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ विच सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो कि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट करते हैं और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक होता है HCl रिलीज करता है एक एंजाइम, एंड एक म्यूकस रिलीज करता है, एंड पेप्सिन, ये तीन जो है गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब बात करें हम इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स की। अब टॉपिक हमारा इंटेस्टिनियल ग्लैंड मीन जो भी हमारा ग्लैंड इंटेस्टाइन में रिलीज हो, जो भी हमारा ग्लैंड इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम को रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टिनियल ग्लैंड कहते हैं। इसके एंजाइम्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है, एंड उसमें क्या क्या वर्क हो सकते हैं उसके, एंड क्या क्या हो सकते हैं वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए है। एंड आज वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम अगला टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो है इतना ही दोस्तों, वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में के बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें। एंड दोस्तों वो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे